हेलो वेलकम टू बॉलीवुड बाला आई एम सोनू दोस्तों फॉरेस्ट गंप एक और बार रिविजिट किया मैंने यार नेटफ्लिक्स पे है ये फिल्म ऑफ एब्सोल्यूटली अमेजिंग यार द कनेक्ट दैट दिस फिल्म फॉर्म्स विद यू इट्स जस्ट अस्टाउंडिंग मतलब रो पढ़ोगे आप यार जो स्टोरी जिस तरह से बताया है जो वो टॉम हैंक्स खुद का वो स्टोरी जो नरेट करता है और जब आप देखते हो यार स्टार्टिंग विद डैट बच्चा जो बच्चा भागता है वो क्रचेस वचेस निकल जाता है उसके बाद टॉम हैंग्स का एंट्री होता है यार मतलब इतना सारा एलिमेंट्स है फॉरेस्ट कम फिल्म में आप आपसे कनेक्ट होने के लिए आपसे कनेक्ट करने के लिए कि मैं क्या बताऊँ इमोशनल मोमेंट्स है यू नो मदर सन वाला मोमेंट्स है लास्ट में फादर सन वाला मोमेंट्स इतना क्यूट है या फिर लास्ट में वो क्लाइमैक्स जब वो लेटर रखता है वहाँ पे और वो जो स्पीच देता है टॉम हैंक्स यार टॉम हैंक्स जो जो ब्रिलियंस है टॉम हैंक्स का उनका वो नाइव नेचर जो दिखाया है वो बोलते ना इतना एडोरेबल इनोसेंट नाइव सिली एट टाइम्स बट इट्स सो 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 हार्ट वार्मिंग हार्ट टचिंग वो जो परफॉर्मेंस दिया है टॉम टॉम हैंक्स ने दिल को छू जाता है यार दिल को एब्सोल्युटली छू जाता है मतलब आंखें नम हो जाएगा आपका वो परफॉर्मेंस देख के और उनका वो नाइवनेस देख के एंड ह्यूमर भी है यार एक एक जगहों पर मतलब जो लाइक वो टेलीविजन स्क्रीन में एक आदमी स्पीच दे रहे तो टॉम एग्स आके देखते है ऐसे ऐसे अरे दैट्स सो फनी तो ये जो ह्यूमर भी है यार मतलब सो सो एंजॉयबल टू वॉच यार दोस्तों तो इसलिए मैं एक्साइटेड हुआ अब लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए कि किस तरह का अडेप्टन हुआ है एंड अडेप्टन मतलब अभी ऑब्वियसली वो अमेरिकन कल्चर था अमेरिकन हिस्ट्री था अब इंडियन हिस्ट्री में क्या कुछ एडिशन मतलब किया गया इंडियन हिस्ट्री में मतलब इंडियन हिस्ट्री को लेके इस फिल्म में you know, यू नो कौन -कौन पात्र होंगे तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रहेगा चीज रहेगा देखने के लिए यार. लाल सिंह चड्डा में दैट इज द चेंजेस दैट है क्योंकि ऑब्वियसली आप अमेरिकन हिस्ट्री तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते ना